मिनट में 100 बड़ी खबरें। सुशांत केस में रिया के माता पिता से आज भी होगी पूछताछ। सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में किया तलब। मंगलवार को रिया के माता पिता से हुई थी लंबी पूछताछ। सीबीआई की टीम ने करीब 8 घंटे की थी पूछताछ। सीबीआई की एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों नामजद आरोपी, दोनों पर सुशांत के पैसों के गबन और धोखाधड़ी का आरोप। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने मंगलवार को नहीं की पूछताछ। उससे पहले 4 दिन में 35 घंटे हुए थे सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने इंडिया टीवी से कहा, सभी कहानियां हो रही झूठी साबित। रिया ने नहीं लिए थे 15 करोड़। सतीश मान शिंदे ने कहा, सुशांत की मौत से पहले रिया घर छोड़कर जा चुकी थी, अभी तक जांच में सभी आरोप झूठे। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने की पूछताछ। रिया की मैनेजर हैं श्रुति मोदी। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी सीबीआई ने फिर की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक हुए सवाल जवाब। डिप्रेशन की दवाइयों पर सुशांत और बहन का चैट आया सामने। 8 जून को प्रियंका ने दवाइयों के बारे में बताया था। प्रियंका ने अपने चैट पे भेजा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, इमरजेंसी के लिए टैबलेट साथ में रखने को कहा था। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी का दावा, कहा सुशांत का अपनी बहनों से हुआ था झगड़ा, इस वजह से डिप्रेशन में थे। श्रुति मोदी के वकील का दावा, सुशांत का अपने पिता के साथ भी तनाव था। रिया के ड्रग्स चैट के बाद एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा से एक ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार, नाम का भी खुलासा नहीं। ड्रग पेडलर ने कई बड़े नामों का खुलासा किया। रिया के भाई शौविक से संबंधों का भी पता चला। एनसीबी जल्द करेगी पूछताछ। ड्रग रैकेट मामले में गौरव आर्य से लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। 8 घंटों तक पूछे सवाल जवाब। गौरव आर्य अपने वकील के साथ पहुंचे ईडी दफ्तर। वकील ने अपने क्लाइंट पर लगे आरोपों को बताया गलत। एक नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी से भी ईडी ने की पूछताछ। रिया के रिकवर्ड व्हाट्सएप चैट में मिला था नाम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली और मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 3.5 किलो ड्रग्स जब्त। चीन ने फिर एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की, 3 दिन में तीसरी बार उसकी कोशिश नाकाम। एलएसी पर चुमार इलाके में 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों से आ रहे थे भारतीय जवानों की तैनाती के बाद वापस लौटे चीनी सैनिक। चीनी सैनिकों ने चेरापूंजी कैंप के भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उनका मकसद भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करना था। आज भी भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत होगी, तीसरे दौर की चर्चा आज। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे को एक अहम रणनीतिक चोटी ब्लैक टॉप हिल पर जमाया अपना कब्जा। इस कदम से भारतीय सेना की स्थिति मजबूत। चीनी सेना के अतिक्रमण की कोशिश पर विदेश मंत्रालय का बयान, समय पर की गई रक्षात्मक कार्रवाई के चलते चीनी सेना के मंसूबों को रोका गया। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग की, तीनों आर्मी चीफ भी बैठक में शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में चीन के लिए साफ संदेश, 1 इंच जमीन किसी और को नहीं लेने देंगे। एलएसी पर चीन की हरकत पर अमेरिका की भी नजर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के आक्रामक रुख को चिंताजनक बताया, शांतिपूर्ण हल की जताई उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के रूस दौरे पर रवाना, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2,580 करोड़ का समझौता, टाटा पावर के साथ डील। वाइस एडमिरल SR शर्मा नई भूमिका में, भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख का चार्ज संभाला। पुंछ के खानेतर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा मिला। AK-47 की गोलियां समेत ग्रेनेड और पिस्टल के कई राउंड्स भी मिले। बारामूला के रामपुर सेक्टर में भी हथियारों का जखीरा जब्त, 5 AK-47 राइफल, 6 पिस्टल समेत दर्जनों हैंड ग्रेनेड बरामद। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गुरुवार को तीसरे सालाना सम्मेलन में वर्चुअली होंगे शामिल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियों को गंगा नदी में किया गया विसर्जित। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने हरिद्वार में किया अस्थि विसर्जन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन, बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी अंतिम विदाई। कोरोना से संक्रमित होने के कारण पीपी किट पहनकर बेटे ने किया अंतिम संस्कार की क्रियाएं। एसओपी का किया गया पालन, पाबंदियों के कारण बहुत ही कम लोग मौजूद थे। एनएसए के तहत गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश, जेल से रिहाई के बाद कफील खान ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर लगाया भेदभाव का आरोप, फेसबुक के सीईओ को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष बनने को कहा। राहुल गांधी ने फेसबुक व्हाट्सएप की जांच की मांग की, कहा देश के आंतरिक मामले में दखल देने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी ने NET JEE के बहाने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला, कहा अहंकार में देश का भविष्य खतरे में डाल रही सरकार।
जेईई और नीट के छात्रों के लिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई में चलाएगा 46 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें, 6 सितंबर तक जारी रहेंगी सुविधाएं। कोरोना संकट के बीच मंगलवार से शुरू हुई आईआईटी जेईई की मेंस परीक्षा, 6 सितंबर तक चलेगा एग्जाम, कोरोना प्रोटोकॉल का किया जा रहा पालन। पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी वाइजुल इस्लाम ने नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए जमानत अर्जी दी, एनआईए के वकील ने जताया एतराज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जीएसटी बकाए पर आसान और व्यवहारिक विकल्प देने की मांग। लद्दाख और लक्षद्वीप भी बना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ, अब तक 26 राज्य ले सकेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा। बिहार में एक और विधायक ने छोड़ा आरजेडी का साथ, वीरेंद्र कुमार ने थामा जेडीयू का दामन। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा, गठबंधन मजबूरी है, कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं। देश में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार, एक दिन में फिर 78,000 से ज्यादा नए केस सामने, कुल संख्या 37,69,000 के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,045 लोगों ने गंवाई जान, अब तक 66,333 लोगों की मौत। कोरोना की तेज रफ्तार के साथ रिकवरी रेट भी अच्छा, एक दिन में 62,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, अब तक 29,19,000 से ज्यादा लोगों ने वायरस को दी मात। देश में कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 4,30,00,000 से पार, 24 घंटे में 10,00,000 से ज्यादा सैंपल की जांच। दिल्ली में कोरोना केस में फिर इजाफा, एक दिन में 2,312 नए लोग पाए गए संक्रमित, 18 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 15,765 लोग संक्रमित, राज्य में अब तक कोरोना के 8,08,306 मरीज। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1,142 लोग संक्रमित, अब तक 1,46,947 लोग कोरोना संक्रमित। नागपुर में 24 घंटे में 34 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, 1,223 लोग पाए गए पॉजिटिव। यूपी में फिर 5,571 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, टोटल केस 2,35,000, अब तक 3,542 लोगों की मौत। नोएडा से बीजेपी विधायक और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हुए कोरोना संक्रमित, अस्पताल में हुए भर्ती। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में ढील, 2 दिन के बजाय सिर्फ रविवार को ही होगा लॉकडाउन। बिहार में 1,928 नए संक्रमितों को पता चला, अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1,38,000, एक्टिव केस 15,954। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,283 केस का इजाफा, एक दिन में रिकॉर्ड 3,346 लोग हुए ठीक। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,470 नए पॉजिटिव केस, 13 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में फिर मिले 500 से ज्यादा कोरोना केस, एमपी में बीजेपी सांसद रीति पाठक भी पाई गई कोरोना पॉजिटिव। ओडिशा में आज कोरोना के 3,025 नए मामले आए, एक दिन में 11 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,928 लोग कोरोना संक्रमित, वायरस ने 96 लोगों को शिकार बनाया। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,058 लोग संक्रमित, 135 लोगों की मौत। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा हुए कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 2,734 नए केस, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में 1,140 नए कोरोना संक्रमित, एक्टिव मरीजों की संख्या 22,512। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ केएस विश्वनाथन ने कहा, 13 संक्रमित सदस्यों को छोड़कर टीम के सभी लोग कोरोना नेगेटिव। दुनिया भर में कोरोना के 2,58,00,000 से ज्यादा केस, अब तक 8,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में हालात खराब। चंद्रपुर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे, महाराष्ट्र के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मंत्री विजय वड्डेटीवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। नागपुर भी बाढ़ के कारण बुरी तरह से प्रभावित, आई बाढ़ के कारण कई मकान ध्वस्त, जान बचाने के लिए लोगों को घर और सामान पीछे छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के जवानों ने 104 लोगों को किया रेस्क्यू, बाढ़ के कारण बिगड़े हालात। मुंबई में आधी रात बड़ा हादसा, नाला सुपारा इलाके में अचानक जमीन दोस हुई इमारत गिरने से अफरा तफरी। यूपी के कन्नौज में बीजेपी एसपी समर्थकों के बीच पथराव, सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद चुनाव के दौरान हंगामा, दोनों ओर से खूब चले ईंट पत्थर। पंजाब के जालंधर में लड़की पर हमला करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश, बाइक सवारों ने लड़की का फोन छीनने के दौरान किया था हमला। झारखंड के रामगढ़ में पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, 5 लोग फरार, तलाश जारी। पटना में एनसीबी ने ट्रक में भरा 589 किलो गांजा जब्त किया, 5 लोग गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने किया हिंसाग्रस्त केनोशा शहर का दौरा, ट्रंप ने हिंसा के लिए डेमोक्रेट नेता को जिम्मेदार ठहराया।
सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, 15 सितंबर तक टिकटॉक को बेचने की डेडलाइन दी, कहा टिकटॉक नहीं बिका तो बैन करेंगे। ईरान ने इसराइल और यूएई की दोस्ती को बताया विश्वासघात, सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर किया हमला, पब्लिक प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों की मौत। अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 190 हुआ, 4000 घरों को नुकसान। इटली का शहर वेनिस में फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज से, 77वें फिल्म फेस्टिवल में इटली के लॉकडाउन पर बनी 2 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। जुलाई के मुकाबले कमरा अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन, 86,449 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा। आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर की लिस्ट में क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप क्रेड का नाम जुड़ा, बीसीसीआई ने दी जानकारी। सुमित नागल ने जीता यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का पहला मैच, ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में पहुंचे। नमस्कार, मैं हुसैन।